मोदी सरकार ने मेन स्ट्रीम मीडिया को तो अपने हाथों की कठपुतली बना लिया, अब इसकी नज़र सोशल मीडिया पर भी है। जी हाँ, ये बात सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये बात हकीकत है कि अब मोदी सरकार आपको और आपके फ़ोन को कंट्रोल करने जा रही है। इस बात का हम आपके सामने आगे खुलासा करेंगे, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि मोदी सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है। मोदी सरकार के बनने के बाद से अगर किसी ने विपक्ष का रोल अदा किया है तो वो है सोशल मीडिया। मोदी सरकार के पल्लू में बैठी गोदी मीडिया ने तो चाटुकारिता के अलावा कुछ नहीं किया। सरकार के हर गलत फैसले का अगर सही से विरोध हुआ है तो वो सोशल मीडिया पर हुआ है। कहीं ऐसे छोटे छोटे मीडिया समूह हैं जिन्होंने मोदी सरकार की हर गलत नीति पर सवाल या निशान लगाकर अच्छी पत्रकारिता का नमूना पेश किया है, जिससे मोदी सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है। ऐसे में सरकार ने अपनी नीतियों पर गौरव फिक्र करने के बजाय तानाशाही वाला रवैया अपनाते हुए लोगों की जबान को बंद करने पर जोर दे रही है। जी हाँ, मामला कुछ यूँ है कि मोदी सरकार लगातार फेसबुक पर दबाव बना रही है कि वो लोगों की बातचीत यानी के मैसेजेस को मोदी सरकार के साथ साझा करें, जिससे सरकार व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले मैसेज के स्रोत तक पहुंच सके। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की गलत नीतियों पर सवाल करता है तो उसकी पहचान सार्वजनिक हो जाएगी, जिससे हुकूमत को उस शख्स को पहचान कर कार्रवाई करने में आसानी होगी। हालांकि अभी फेसबुक ने यह सब जानकारी देने से मना कर दिया है, पर ज़रूरत पड़ने पर कानूनी एजेंसियों को मेटा डेटा और मशीन इंटेलिजेंस के साथ ही फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिंकेज देने का प्रस्ताव दिया है। फेसबुक के एक अधिकारी निक क्लेक का कहना है कि कंपनी अभी सिर्फ डेटा मेटा दे सकती है और इसके अलावा ये बता सकती है कि किसने किसको कॉल किया है और कितनी देर तक किया गया है। इससे पहले भी मोदी सरकार लगातार फेसबुक पर दबाव बनाती रही है। हम आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोवाल और आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने पिछले हफ्ते फेसबुक के आला अधिकारियों से मुलाकात की थी। क्या सरकार इसके जरिए सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं को कंट्रोल करना चाहती है, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबा देना चाहती है, लोगों की प्राइवेसी को ख़त्म कर डिक्टेटरशिप लाना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।